पानी के बोरिंग को लेकर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने डीआईजी से मुलाकात कर उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता सत्ता के नशे में मतमस्त है। कल शाम इंदौर के विधानसभा क्रमांक 2 स्थित बापट चौराहे के समीप पानी की बोरिंग को लेकर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरों के साथ मारपीट की गई, जिसमें कुछ कार्यकर्ता घायल हुए। घटना का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि पानी की बोरिंग को लेकर श्रेय लेने की होड़ के चलते ये पूरा विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस मामले में हीरानगर थाने की पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर डीआईजी से मुलाकात कर उचित कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ता सत्ता के नशे में मतमस्त है और इसी कारण उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विवाद किया, और जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है, उसी तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। वही डीआईजी ने कांग्रेस नेताओं को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है।